Hi everyone, welcome to the channel of IPC Induction Physics Classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover the solved example numerical solution of chapter number 9 current electricity, right? तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से example given है. तो जो सबसे पहला example है, that is example number 9.1 on page number 215. क्या given है? Figure shows a current in a part of electrical circuit, find the current X. तो यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे करंट्स दिए हुए हैं और उसमें से हमें कौन सा करंट फाइंड करना है, I6 फाइंड करना है कि करंट इन I6 कितना होगा, ठीक है, यानी हमें I6 को कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या वैल्यूज गिवन है. तो यहाँ पर फिगर के हिसाब से देखें तो करंट I1 की वैल्यू दिया है 17 एम्पियर, I2 की जो हमें वैल्यू दिया है इट इज इक्वल टू 3 एम्पियर, राइट. उसके बाद यहाँ पर I4 की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 2 एम्पियर और I7 की भी वैल्यू गिवन है 9 एम्पियर और I6 तो हमें कैलकुलेट करना है, राइट. और इसमें से जहाँ पर दिया हुआ है I3 I5, यानी कि यहाँ पर और क्या वैल्यू हमें पता नहीं है, R3 की वैल्यू पता नहीं है और I5 की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है. तो ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन नहीं है और ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो चलो ऊपर से चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ. सो अब देखो यहाँ पर करंट I1 है और ये करंट I2 है. तो बेसिकली यहाँ पर करंट I1 है और फिर ये करंट I1 दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, यानी देयरफॉर आई कैन से I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, राइट. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, I3 को कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज I1 I2 की वैल्यू गिवन है. सो देयरफॉर I3 क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2. तो I1 की वैल्यू कितनी है 17 और I2 की वैल्यू कितना है 3. सो देयरफॉर यहाँ से I3 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 14 एम्पियर, ठीक है. तो I3 की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पर, 14 एम्पियर, राइट. अब आगे देखेंगे हम, तो अब अगर आप नीचे आओगे तो देखो I3 प्लस I4 मिलके क्या बना रहे हैं, I5. सो देयरफॉर इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. सो देयरफॉर I5 बेसिकली क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4. I3 की वैल्यू हमें कितनी मिली है, इट इज़ इक्वल टू 14. तो ये हो जाएगा 14 प्लस I4 की वैल्यू कितना है, I4 की वैल्यू है 2, तो इट इज़ इक्वल टू 16 एम्पियर. तो I5 का आंसर हमें कितना मिल गया, 16 एम्पियर. अब देखो जो I5 है ये दो ब्रांच में वापस से डिवाइड हो जा रहा है, यानी I5 इज इक्वल टू I6 प्लस I7. सो देयरफॉर I5 जो है वो किसके बराबर है, I6 प्लस I7 के बराबर है. हमें क्या फाइंड करना है, I6. सो देयरफॉर ये हो जाएगा I6 इज इक्वल टू I5 माइनस I7. I5 की वैल्यू कितनी है, 16 और I7 की वैल्यू कितनी है, I7 की वैल्यू है 9. सो देयरफॉर ये 16 माइनस 9 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 और यूनिट हो जाएगा एम्पियर. तो I6 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 7 एम्पियर, ठीक है. तो बहुत आसान था, सिंपल सा था, ठीक है, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी गिवन था डायग्राम में और हमें करना क्या था कि यहाँ पर देखना है. सिंस देखो पहले करंट I1 चला तो करंट I1 दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I2 और I3 में. फिर उसके बाद यहाँ पर क्या मिला अपने को, I4 की वैल्यू गिवन है और I3 हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब आप देखोगे तो I5 जो मिला है वो किसके कॉम्बिनेशन से मिला है, I3 और I4 के. तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया और फिर ये जो I6 और I7 है, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ I5, तो उसको भी हमने प्लस करके सॉल्व कर लिया. सो फाइनली हमें I6 की वैल्यू कितनी मिल गई, 7 एम्पियर. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.2 में क्या गिवन है. टू बैटरीज ऑफ 7 वोल्ट एंड 13 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेज 1 ओहम एंड 2 ओहम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओहम. फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओहम रेजिस्टेंस, ठीक है. तो चलो इसे सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 9.2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर क्या है, 9.2. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बोला कि दो बैटरीज हैं और दोनों बैटरीज का यहाँ पर वैल्यू दिया है, एक है 7 वोल्ट और एक है 13 वोल्ट विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम और कैसे कनेक्टेड किया है, पैरेलली कनेक्टेड किया है. तो दो बैटरीज लेना है हमें, तो रिलेटेड भी ये हो गया और दोनों को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से. ओके, इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो वैल्यू एक का वैल्यू है 7 वोल्ट, तो मैं इसे ले लेता हूँ सपोज करो E1 और ये हो जाएगा हमारा E2. ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, या इंटरनल ना, तो इसको नाम दे देते हैं R1, इसको नाम दे देते हैं R2. ओके, और इसको आगे क्या बोला है, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम. तो ये दोनों को हम लोग एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं जिसकी वैल्यू कितना गिवन है, 12 ओम,
राइट, कुछ इस तरीके से। तो ये रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सपोज करो ई वन की वैल्यू है हमारे पास 7 वोल्ट, ई टू की जो हमारे पास गिवन वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 13 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस स्मॉल आर वन की वैल्यू गिवन है इट इज़ गिवन 1 ओम, एंड रेजिस्टेंस आर टू की वैल्यू गिवन है इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ओके। और हमारे पास कैपिटल आर का जो वैल्यू दिया है इट इज़ गिवन 12 ओम, यानी कैपिटल आर का मतलब क्या है, दैट इज़ द रेजिस्टेंस, ठीक है। और हमें कैलकुलेट क्या यहाँ पर करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज करंट थ्रू ईच ब्रांचेस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी निकालना है एंड करंट थ्रू ईच ब्रांचेस। तो करंट थ्रू ईच ब्रांचेस का मतलब क्या है कि यहाँ से करंट I1 निकलेगा, यहाँ से करंट I2 निकलेगा। बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, I1 की वैल्यू निकालना है, I2 की वैल्यू निकाल लेना है, और फाइनली हमें टोटल करंट भी निकाल लेना है, ठीक है। अब देखो इस सर्किट में अगर आप देखोगे तो ये क्या है, रिलेटेड टू द किरचॉफ सेकंड लॉ से रिलेटेड एक सर्किट है जिसमें लूप फॉर्म हो रहे हैं और लूप के हेल्प से हम लोग करंट I1 I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से करंट I1 चला, यहाँ से करंट I2 चला, तो यहाँ से जब करंट इस ब्रांच पे आएगा तो टोटल करंट कितना होगा, I1 प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम करंट रहेगा I1 प्लस I2, फिर वापस से यहाँ पर करंट I2 रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पर करंट I1 आ जाएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं, लेट इट बी ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, यानी कि हमें इतनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेगा, I1 और I2 की वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सो देयरफॉर वी विल अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ सेकंड लॉ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। तो यहाँ पर दो लूप अपने को लेना है, तो एक लूप हम ले लेंगे ए सी डी एफ ए और दूसरा लूप ले लेंगे बी सी डी ई बी, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर 3 लूप फॉर्म हो रहे हैं लेकिन हमें 2 लूप लेना है। कैसे 2 लूप लेना है, जिसमें से आपका ये वाला ब्रांच आ जाए। तो 2 लूप कौन से ब्रांच लेंगे जिसमें से ये ब्रांच आए, एक तो लूप ये और दूसरा लूप ये। सो देयरफॉर अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन लूप, पहला लूप हम ले लेते हैं ए सी डी एफ ए, ठीक है। इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो ए से सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो वी विल लीव दैट। फिर आएंगे हम सी से डी में। अब देखो करंट भी इधर डायरेक्शन पे है, मैं भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है, नेगेटिव। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि जिस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप भी उसी डायरेक्शन पे ट्रेस कर रहे हो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R। फिर उसके बाद D से F के बीच में तो कुछ नहीं है, फिर F से आप किधर की तरफ आ रहे हो, A की तरफ। तो देखो F से जब आप A की तरफ आ रहे हो, करंट भी इधर ही की तरफ जा रहा है, तो वापस से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस I1 R1। तो ये हो जाएगा माइनस I1 और ये हो जाएगा R1, ठीक है। उसके बाद बात आती है EMF की। तो EMF आपको कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। तो अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हो और अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हो, यानी जिस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आपको पहले नेगेटिव टर्मिनल मिलता है तो आपको EMF पॉजिटिव लेना है, उल्टा। और अगर आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो EMF की वैल्यू को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो सिंस यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है तो EMF क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ अप्लाई कर दिया लूप में, ओके। अब हम यहाँ पर वैल्यूज की पुटअप करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस I1 प्लस I2 और कैपिटल R का वैल्यू क्या गिवन है हमें, 12। तो 12 माइनस I1 इंटू R1, तो R1 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू I1 करूँगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ I1, ओके। प्लस E1 की वैल्यू कितना गिवन है, इट इज़ गिवन 7, तो 7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस 12 I1 माइनस 12 I2, राइट, ये क्या हो जाएगा, माइनस 12 I2 माइनस I1 इज इक्वल टू माइनस 7। उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7। अब देखो 12 I1 माइनस I1, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस 13 I1 माइनस 12 I2 इज इक्वल टू माइनस 7। अब अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 13 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल टू 7। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली एक इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। इसको नाम दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब हम देखते हैं, तो इस लूप में हमने अप्लाई कर लिया, अब दूसरा लूप लेते हैं, अप्लाइंग
अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन लूप. दूसरा लूप हमारे यहाँ पर क्या है, बी सी डी ई बी. ठीक है, बी सी डी ई बी. तो देखो बी से सी में तो कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है. उसके बाद क्या है, सी से डी आप भी इधर जा रहे हो. ठीक है, यानी मैं भी इधर जा रहा हूँ, करंट भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा है. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है, नेगेटिव, यानी हो जाएगा माइनस आई वन प्लस आई टू इन टू आर. उसके बाद डी से ई में तो कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है. देन ई से किधर की तरफ आएंगे, बी की तरफ. करंट भी इसी डायरेक्शन पे आ रहा है, मैं भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई टू आर टू. उसके बाद बात आती है ई एम एफ की, तो कौन सा पहले टर्मिनल मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल. तो ई एम एफ हो जाएगा पॉजिटिव, यानी ई टू इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया. अब उसके बाद हम लोग वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई वन प्लस आई टू, आर की वैल्यू है 12 माइनस. उसके बाद देखो आर टू की वैल्यू कितनी है, 2. तो 2 इंटू आई टू करूँगा तो कितना होगा, माइनस 2 आई टू. प्लस ई टू की वैल्यू क्या गिवन है, ई टू इज इक्वल टू 13. तो यहाँ पर ले लेंगे 13 इज इक्वल टू जीरो. सो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 12y1 माइनस 12y2 राइट, माइनस 2y2 इज इक्वल टू माइनस 13. तो माइनस उधर 13 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो माइनस 12y1 और माइनस 12y2 माइनस 2y2 तो कितना हो जाएगा, माइनस 14y2 इज इक्वल टू माइनस 13. अब देखो माइनस माइनस साइन कॉमन लेके वापस से कटअप कर देंगे तो नेगेटिव साइन चला जाएगा. तो बचेगा क्या, 12y1 प्लस 14y2 इज इक्वल टू 13. ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. सो हमें यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गया. पहला इक्वेशन क्या है, 13i1 प्लस 12i2 इज इक्वल टू 7. और दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिला, 12i1 प्लस 14i2 इज इक्वल टू 13. अब इन इक्वेशन के हेल्प से हम लोग i1 और i2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2. अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. एक तो तरीका ये है कि आप इन दोनों को क्या करें, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि इसमें से i1 या i2 कोई एक तो वैल्यू सेम हो जाए जिसके वजह से वो कैंसिल हो जाए. लेकिन यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज़ है हमारी, उसमें अगर किसी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो ये टास्क जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क हो रहा है. ठीक है, अगर आपके पास ईजी नंबर है और आपको पता चलता है, जैसे कि हमने अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स में देखे थे, वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही थी उसकी जो वैल्यू थी वो काफ़ी सिंपल थी, जिसके वजह से हम लोग वहाँ पर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए थे. तो i1 की वैल्यू सेम हो गई थी और i1 कैंसिल हो गया था, तो उससे हमें i2 की वैल्यू मिल गई थी. और फिर i2 की वैल्यू को वापस से इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में पुटअप कर देते थे तो i1 की वैल्यू मिल जाती थी. लेकिन यहाँ पर जो हमारी गिवन वैल्यू है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि हम किस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, इसे मैं ले लेता हूँ माइनस माइनस माइनस. तो कितना हो जाएगा ये, 13 माइनस 12 आई वन करूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई वन. और 12 माइनस 14 आई टू करूँगा तो क्या मिलेगा, माइनस 2 आई टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 6. ठीक है, तो यहाँ से फिर हमें, यहाँ से हमें देखो क्या हो जाएगा, 2i2 इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस i1. तो यहाँ से फिर अगर नेगेटिव साइन को हम कॉमन बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 2i2 इज इक्वल टू i1 प्लस 6 राइट. सो देयरफॉर यहाँ से i2 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, i1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2. अब हम क्या करेंगे, इस i2 की वैल्यू को या तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर दें या तो सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर दें, तो हम लोग फिर वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. सो देयरफॉर मैं क्या करता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं. ठीक है, सो देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन पे i2 की वैल्यू रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये तो गिवन है 13i1 राइट. उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 12, और i2 की वैल्यू कितना है, i1 प्लस 6. तो इसमें लिखेंगे हम लोग i1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है, 7, तो 7 ऐसे ही रहेगा. अब हम इसे क्या करेंगे, 13i1 प्लस 12 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 12i1 प्लस एंड 16, ये कितना हो जाएगा, 72 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 राइट. ओके, अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इसे इसे हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 टू 26i1
प्लस 12i1 प्लस 72 इज इक्वल टू 7, और ये 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 2. सो देयरफॉर देखो यहाँ पर 26i1 प्लस 12i1 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38i1, राइट, कितना हो जाएगा 38i1 इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 14, 72 उधर जाएगा तो -72. सो देयरफॉर यहाँ से हमें i1 की वैल्यू क्या मिल रही है, i1 इज इक्वल टू 14 माइनस 72 करेंगे तो क्या मिलेगा -58, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा 38. अब हम इसे सिंपली क्या करेंगे, अगर मैं 2 से इसे कट कर दूं, ठीक है, 2 से अगर हम इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका -29, और ये हो जाएगा 19, ठीक है. अब हम इसे सिंपली क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना है 29 और ये है 19, 1 जा 19, बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस यहाँ पे बचेगा 10 और 0.0100, तो ये समथिंग अराउंड 5 टाइम्स जाएगा, राइट. सो देयरफॉर यहाँ से फिर हमें i1 की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, माइनस, तो i1 की जो हमें वैल्यू मिल रही है दैट इज -1.526 एम्पियर, ठीक है. इसे आप अगर और आगे डिवाइड करते जाओगे तो आपको i1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1.526 एम्पियर. अब हमें i1 की वैल्यू मिल गई, अब हम इस i1 की वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, है ना. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, i2, और हमारे पास फॉर्मूला बना हुआ है i1 + 6/2. सो देयरफॉर यहां से i2 क्या हो जाएगा, i2 कितना हो जाएगा, फिर i1 की वैल्यू कितनी है, -1.526 प्लस 6, तो ये हो जाएगा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, राइट. अब इसको यहाँ पे 6 - 1.526 हमें करना है. अब हम अगर हम इसे माइनस करेंगे तो देखो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 4, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और फिर यहाँ पे बचेगा 5 में 7 तो यानी हो जाएगा 4, तो ये क्या बचेगा, 4.474 डिवाइडेड बाय 2. अगर हम इसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.23 और ये हो जाएगा 7. सो देयरफॉर फाइनली हमें i2 की वैल्यू क्या मिल रही है, 2.237 एम्पियर. सो ये हमें मिल गई i2 की वैल्यू, राइट. तो इस तरीके से हमने i1 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, i2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. सो देयरफॉर टोटल करंट हमें पता है क्या होता है, i = i1 + i2. सो देयरफॉर i1 की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है हमें, i1 की वैल्यू जो आई है दैट इज -1.526, और i2 की वैल्यू क्या है, दैट इज +2.237. सो देयरफॉर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 7 में से 6 आएगा तो क्या बचेगा, 1, उसके बाद यहाँ पर क्या 3 में से 2 जाएगा तो 1, उसके बाद 12 में से 5 जाएगा तो 7. तो आंसर क्या मिला है, 0.711 एम्पियर इज द टोटल करंट, ठीक है. तो ये हमें यहाँ पर क्या मिल गया, करंट. और हमें क्या कैलकुलेट करना था, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू IR. I की वैल्यू कितनी मिली है, 0.711, और R की वैल्यू क्या गिवन थी हमारे पास, R की वैल्यू गिवन थी 12 ओम. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या होगा, 12 1 जा 12, बैलेंस 1, 12 1 जा 12, 13 का 3, बैलेंस 1, उसके बाद 12 7 जा 84 प्लस 1 85, तो ये हो जाएगा 85, यानी 8.532 वोल्ट. तो ये हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस. तो इस तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. तो जितने भी रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, दीज आर रिलेटेड टू द किर्चॉफ्स लॉ. तो वहाँ पर हमें किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ का यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए, तो बाकी काम फिर आसान हो जाएगा. मेन यहाँ पर यही होता है कि जब भी आपके दो इक्वेशन फॉर्म होंगे, तो दो इक्वेशन फॉर्म होने के बाद i1 और i2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपेयर करना है इक्वेशन को. कंपेयर करने के बाद कोई एक वैल्यू पहले ढूंढ लेना है. तो अगर हमें i2 मिल गया तो उस i2 की वैल्यू को वापस उसी इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो i1 मिल जाएगा. इस तरीके से फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 9.3 में क्या गिवन है. फॉर द गिवन नेटवर्क फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम एंड 3 ओम. अज्यूम दैट द सेल्स हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो हमें यहाँ पर गिवन फिगर में एक नेटवर्क दिया हुआ है और उसमें यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम एंड 3 ओम. तो एग्जाम्पल 9.3, तो फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है करंट. करंट यानी कि आई फाइंड करना है कब, थ्रू 4 ओम व्हेन द रेजिस्टेंस इज 4 ओम, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है हमें, एंड करंट व्हेन द रेजिस्टेंस इज 3 ओम. ठीक है, आर इज इक्वल टू 3 ओम.
अब अगर आप देखोगे तो 4 ओम में कितना करंट यहाँ पर शो हो रहा है, 4 ओम में करंट I3, तो यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, I3 कैलकुलेट करना है, और 3 ओम में क्या करंट यहाँ पर शो हो रहा है, I2, तो यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, I2। तो बेसिकली यहाँ पर हमें I1, I2, I3 तीनों ही कैलकुलेट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने गिवन फिगर को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला था, वहाँ पर वी हैव टू कैलकुलेट द करंट व्हेन द रेजिस्टेंस इज 4 ओम एंड करंट व्हेन द रेजिस्टेंस इज 3 ओम। तो यहाँ पर 4 ओम पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर करंट I1 शो हो रहा है, और यहाँ पर भी 4 ओम पर करंट रेजिस्टेंस 4 ओम पर I3 शो हो रहा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर I1 और I2, I3 यानी तीनों यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमें जो गिवन डायग्राम दिख रहा है, इससे तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, एंड फ्रॉम मेकिंग इक्वेशन हमें I1, I2, I3 की वैल्यू मिलेगी वहाँ से। इसके लिए अब यहाँ पर देखो, हमें दो पॉइंट कंसिडर करने पड़ेंगे जो मेन पॉइंट होंगे, जिसे हम लोग जंक्शन पॉइंट बोल सकते हैं। तो एक तो पॉइंट ये है F, जिसे हम जंक्शन पॉइंट बोल सकते हैं, और एक पॉइंट क्या है C, जिसे हम लोग जंक्शन पॉइंट बोल सकते हैं। तो अगर आप देखोगे C पॉइंट को, तो C पॉइंट में यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि करंट I3 आ रहा है, करंट I3 आ रहा है, और यहाँ से करंट I2 जा रहा है और करंट I1 जा रहा है। तो बेसिकली भी हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, अगर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हम लगाएं एट जंक्शन सी, सी पॉइंट पर अगर हम लोग किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I3 की वैल्यू क्या मिलेगी, I1 प्लस I2, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर I3 की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो लूप है हमारे पास, कौन कौन से लूप फॉर्म हो रहे हैं, एक लूप होगा AFCDA, एक तो लूप ये बन रहा है, दूसरा लूप क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी FEDCF, ठीक है। इन दोनों लूप के हेल्प से हम लोग दो इक्वेशन बना लेंगे, और इसे फिर जैसे हम लोग नॉर्मल सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। सो देयरफॉर अप्लाइंग क्या हो जाएगा, अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन लूप, कौन सा लूप पहले अप्लाई करेंगे हम लोग, पहले अप्लाई करते हैं दैट इज AFCBA, ठीक है। इस लूप में हम लोग किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो चलो सबसे पहले A से F में जाएंगे, तो देखो करंट का डायरेक्शन ऊपर है, हम नीचे की तरफ ट्रेस कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, 4I3 है ना, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है, 4, और करंट कितना है, I3। उसके बाद हम किधर जा रहे हैं, F से C की तरफ जा रहे हैं, तो करंट इस डायरेक्शन पे आ रहा है, मैं इस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी क्या हो जाएगा, प्लस 3I2 इज इक्वल। आगे जाते हैं तो फिर आगे देखो, C से B में तो कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, फिर हमें कहाँ जाना है, B से A की तरफ। तो देखो जब हम B से A की तरफ जाएंगे, तो EMF का हमें कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव, और जब हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा तो EMF की वैल्यू क्या लेना है, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस E1 इज इक्वल टू 0। ये हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट अप करते हैं। सो देयरफॉर फाइनल जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा, 4I3 प्लस 3I2 इज इक्वल टू माइनस E1, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस E1, और E1 की वैल्यू कितना दिया, 5, तो इसको मैं ले लेता हूँ 5, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमें इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे इन द लूप। सो अप्लाइंग इन लूप, दूसरा लूप हमारा यहाँ पर क्या है, देखो दूसरा लूप जो हमारा है दैट इज FEDCF, ठीक है, FEDCF, ठीक है। तो इस लूप में अप्लाई करते हैं, तो जब अप्लाई करेंगे देखो, तो F से A में यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, फिर हम यहाँ पे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमें कौन सा क्या मिल रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर हमें मिल रहा है EMF का पॉजिटिव टर्मिनल, तो EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा -E2। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते थे, FCDEF, ऐसे भी लूप ले सकते थे, ठीक है। अगर ऐसे हम लोग लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो E2 की वैल्यू है वो बाद में आएगी, तो
शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से भी आप करेंगे तो वही आंसर आने वाला है, ऐसे भी करेंगे तो वही इक्वेशन बनने वाला है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, क्या लेते हैं, एफ सी डी ई एफ, ठीक है, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन द लूप, एफ सी डी ई एफ। चलो अप्लाई करते हैं, तो देखो करंट इस डायरेक्शन पे आ रहा है, मैं इस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव, यानी ये कितना हो जाएगा 3I2, ठीक है। उसके बाद हम सी से डी पे जा रहे हैं, तो देखो करंट भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा है, मैं भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दैट इज -4I1, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब डी से ई की तरफ आओगे, तो पहले हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल, तो अगर नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि E2 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हम इसे रीअरेंज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा फिर, 3I2 - 4I1 इज इक्वल टू E2, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और E2 की वैल्यू कितना दिया है 10, तो ये हो जाएगा -10। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमें पहला इक्वेशन मिल गया, दूसरा इक्वेशन मिल गया, अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है I1, I2, I3 तीनों की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि I3 की वैल्यू कितना है, I1 प्लस I2, तो पहले हम ये दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है यहाँ पर, देखो ये है 4, तो मैंने 4 लिख लिया। उसके बाद ये क्या है I3, और I3 की वैल्यू क्या है I1 प्लस I2, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, I1 प्लस I2, ठीक है, ये याद रखना है, प्लस 3I2, तो हो जाएगा प्लस 3I2 इज इक्वल टू 5, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 5। इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा फिर, ये दिस विल बी इक्वल टू 4I1 प्लस 4Y2 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो I2 को हम लोग प्लस कर लेंगे, सो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 4I1 प्लस, यहाँ पर 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7I2 इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीन हमें इक्वेशन मिल गए। अब हम करेंगे क्या कि अब हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें I1 I2 है और इसमें भी I1 I2 है। सो देयरफॉर फ्रॉम कौन से इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड, अगर सेकंड एंड थर्ड को देखें हम, तो सेकंड का इक्वेशन क्या है, ये -4I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू -10, और ये कितना हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 4I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये टर्म हो जाएगा कैंसल, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10I2 इज इक्वल टू -5, तो I2 की जो वैल्यू मिलेगी -5/10, विच इज इक्वल टू देयरफॉर कितना हो जाएगा, I2 10 इज इक्वल मतलब -0.5, तो ये हो जाएगा -0.5 एम्पियर। तो ये हमें यहाँ से क्या मिल गई, I2 की वैल्यू मिल गई 0.5 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, इस I2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं, तो I1 की वैल्यू मिल जाएगी। सो देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या हो जाएगा, देखो 4I1 प्लस 7, और I2 की वैल्यू क्या है, -0.5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा आपका 4I1 माइनस, इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, यानी कि हो जाएगा 3.5 इज इक्वल टू 5। सो देयरफॉर हो जाएगा 4I1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 3.5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8.5। सो देयरफॉर I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.5 डिवाइडेड बाई 4। तो 8.5 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, सो देयरफॉर फाइनली जो हमें I की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, I1 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, 2.125 एम्पियर, ठीक है। तो I1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2.125 एम्पियर, है ना, 4 2 8, 0.41 4, बैलेंस कितना बचेगा, 1025, तो हमें एग्जैक्टली क्या मिल गया, 2.125 एम्पियर। तो हमें I1 की वैल्यू मिल गई, I2 की वैल्यू मिल गई, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे तो I3 की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। सो देयरफॉर I3 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू हमें कितनी मिली है, दैट इज़ 2.125 प्लस
और I2 की वैल्यू कितनी है -0.5, तो यहाँ पर लिख लेंगे -0.5। अब इसे हमें करना क्या है, माइनस, तो माइनस करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये 5 का 5 2 और यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और यहाँ पर 1, यानी कि ये हो जाएगा 1.625 एम्पियर इज़ द करंट I3। ठीक है, तो यहाँ से हमें तीन करंट मिल गया कि जब हम 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो करंट I3 की वैल्यू क्या होगी 1.625 एम्पियर, करंट I1 की वैल्यू कितनी होगी 2.125 एम्पियर, एंड व्हेन वी कनेक्ट द रेजिस्टेंस 3 ओम देन जो हमें करंट I2 की वैल्यू मिल रही है दैट इज इक्वल टू -0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने करंट I1, I2, I3 तीनों को कैलकुलेट कर लिया।